12. My name is Dr. Bhaktivinoda Nayak, B.Ed. faculty, Bharawada College, Bharawada. Today we discuss the topic individual difference. What is the meaning of that individual difference? No two individual are alike. Individual to individual, they differ from each other. Even the twin brothers and twin sisters is also, they differ from each other. Physical environment may be equal, but psychological environment cannot be equal. Now, the individual difference, you may be, the classification of the individual difference, inter-individual difference and the intra-individual difference. Inter-individual difference means what? Inter-individual difference, just like the two students, one class is Ram and Hari. The two students, दो छात्र का देखिएगा, दोनों का शैक्षिक योग्यता देखिएगा, कंपेयर कीजिए कोई एक क्लास का, तो आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, अचीवमेंट कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर देखिएगा, किसी का 50 है, किसी का 60 है, तो उसी टाइप का, तो हम लोग देखें इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस दोनों को देख रहे हैं, योग्यता जो है दोनों का इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफर कर रहा है। फिर एंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस किसको बोला जाता है? एंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति को हम एक पर्सन को लेंगे, एक व्यक्ति का दोनों सब्जेक्ट का योग्यता को मापेंगे। तो सपोज ये हम लोग का हिस्ट्री और एक टू इंग्लिश, दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों सब्जेक्ट में अचीवमेंट जो है दोनों का अलग अलग है। तो उसी टाइप का द क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस, जिस टाइप का इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड द इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे दोनों का, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसी टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंस का एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी एक टू है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम लोग देखेंगे, दोनों को जज करेंगे, तो उसी में भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। नाउ वी स्टार्ट द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आई हैव क्लियर कट रिटन, द फिजिकल डिफरेंस, मेंटल डिफरेंस, डिफरेंस इन द इंटेलिजेंट, डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट, डिफरेंस इन एटीट्यूड, डिफरेंस इन द एप्टीट्यूड, डिफरेंस इन इमोशनल, डिफरेंस इन द लर्निंग, डिफरेंस इन रेस एंड कल्चर एंड डिफरेंस इन द अचीवमेंट्स। तो ये जो हम लोग का फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल लर्निंग, रेस एंड कल्चर एंड द अचीवमेंट कैसे डिफर करता है, इसके हम लोग को तुम्हें अच्छा तरह डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फिजिकल डिफरेंस, व्हाट इज द फिजिकल डिफरेंस? तो यू वी नो, अब देखेगा कि फिजिकल डिफरेंस जो हो रहा है, तो इवन ट्विन्स में ट्विन सिस्टम हम देखेंगे तो उसका रंग रूप आकार दिखेगा, हाइट वेट कलर भी लुका एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है, ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट मेंटल डिफरेंस, मेंटल से मानसिक भिन्नता कैसे पाई जाती है, मानसिक में हम देखेंगे मेंटल का, तो मानसिक में भी उस टाइप का जो आपका थिंकिंग, जजमेंट, इमेजिनेशन जो है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो मेंटल का जो योग्यता भी अलग अलग है, भिन्नता पाई जाती है। चले पॉइंट थ्री, डिफरेंस इन द इंटेलिजेंस। द इंटेलिजेंस किस को बोला, बुद्धि, बुद्धि का भिन्नता। तो व्हाट इज द इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज द जज वेल, कंप्रेन वेल एंड द रीजन वेल। तो इंटेलिजेंस जैसे कि हम लोग का बुद्धि हम लोग का सबका इक्वल नहीं है, क्योंकि आप लोग का हेरिडिटी एनवायरमेंट में उसको तो जो आप लोग को जितना अक्वायर करता है उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। तो इंटेलिजेंस जैसे कि आप लोग का जीनियस, गिफ्टेड, सुपरियर, एवरेज, बिलो एवरेज, डल, बिसाइड, मोरल, इडियट, इस टाइप का, जिसके ईएल जैसे कि आप लोग का इंटेलिजेंस का फादर जिसको बोला जाता है अल्फ्रेड बिनेट, फादर इंटेलिजेंस। लेकिन उसी के बाद में जो इंटेलिजेंस का हम लोग को मेजरमेंट जो किया गया था, टेस्टिंग किया गया था इंटेलिजेंस का, तो हम लोग का जो जीनियस, गिफ्टेड, सुपरियर, एवरेज, बिलो एवरेज, डल, बिसाइड, मोरल, इडियट जिसका किया गया था, ये आप लोग का डॉक्टर मिरेल ने किया था, उसके साथ एलम टर्मन था जो क्लासिफाई किया था। तो उसी में हम देखा जाएगा तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो हो रहा है डिफर कर रहा है, तो जीनियस, गिफ्टेड, सुपरियर, तो उसी टाइप का हम डिफर सोसाइटी में करता है। अगर बढ़ेंगे डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी, व्हाट इज द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व किसको बोला जाता है?
तो व्यक्तित्व उसी को बोला जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। एंड पर्सनैलिटी जो है व्यक्तित्व, तो हम लोग सोसाइटी में हम देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्चर रिसर्च करके उसको तुम्हें किए हैं। जैसे हिपोक्रेट्स 400 BC में ये किया था, आप लोग का रक्त कलापित पिलापित एंड द कफ बा हार्ट ह्यूमन बॉडी में ये फ्लूइड्स हम लोग इनसाइड बॉडी में जो हार्मोन प्रभावित हो रहा है फ्लूइड्स, तो उसी का जो हम लोग का रक्त कलापित पिलापित और कफ का जरिया से हम लोग का पर्सनैलिटी भी हम लोग का बदल जाता है, चेंजिंग हो जाता है। और पर्सनैलिटी हम देखेंगे तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हम लोग भी जज करेंगे। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इस टाइप का ये क्रिसमर जो किया था 1925 में जो किया था, पर्सनैलिटी सोसाइटी समाज में हम लोग चार प्रकार देखने को मिलता है, क्या आस्थेनिक पिकनिक एथलेटिक एंड डायस्प्लास्टिक। आस्थेनिक जो होता है ये दुबला पतला लंबा चौड़ा रहते हैं ये लोग को, और ये लोग का देखिएगा उसका जो आप लोग का इंटरवल अंतर्मुखी रहते हैं हमेशा, कभी ये लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, सोशेबल नहीं रहते हैं। और आस्थेनिक पिकनिक पिकनिक होता है थोड़ा से थोड़ा नाटा रहते हैं वो लोग का चेहरा तो गोल रहता है, हमेशा सोशेबल रहते हैं और सैक्रीफाइस करते हैं और लीडरशिप करते हैं, तो ये लोग का थोड़ा सा चेंजिंग। फिर आप लोग जाइएगा आस्थेनिक पिकनिक में एथलेटिक, एथलेटिक हम देखेंगे उसका शरीर का गठन जो होता है उसका थोड़ा हट्टा कट्ठा रहता है, डब्ल्यू आप देखे होंगे शायद उस टाइप का उसका शरीर दूसरा टाइप का रहता है। और हो गया तुम्हें आस्थेनिक पिकनिक एथलेटिक एंड डायस्प्लास्टिक, डायस्प्लास्टिक जिसको आप लोग विकलांग बोलते हैं, हमारे हाथ पैर आँख जो होता है वो लोग का विकलांग रहता है। तो इस प्रकार हम लोग चार प्रकार को हम लोग सोसाइटी में ये व्यक्तित्व तो देखने को मिलता है। दूसरा को देखेंगे आप लोग का ये एच सेल्डन ने जो किया था 1940 में जो किया था, तो तीन प्रकार सोसाइटी में देखने को मिलता है व्यक्तित्व तो। तो तीन प्रकार क्या क्या है आप लोगों का, एक तो है जैसा आपका एक्टोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एंड इंडोमॉर्फिक, उसी टाइप का आप लोग कार्ल जंग 1933 में जो किया था, तो कार्ल जंग तीन प्रकार सोसाइटी में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बिवर्ट उस टाइप का व्यक्तित्व जो है एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो पॉइंट डिफरेंसेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रुचि, वे रुचि देखिएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुचि कैसे डिफर कर रहा है। आप लोग सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे आप लोग का एक परिवार फैमिली का, एक फैमिली में जिस टाइप का रुचि एक दूसरे भिन्नता कैसे पाई जाती है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सब मैंने एक ही परिवार में रहते हैं, तो फादर का देखिए रुचि जिस टाइप का तो न्यूज देखने में उसे रुचि रहता है, फिर मदर को देखिए सीरियल देखने में रुचि रहता है, भाई का देखिए क्रिकेट देखने में रुचि रहता है, और बहन का कोई पिक्चर देखने में रुचि रहता है। तो उस टाइप का डिफर हम लोग फैमिली में देखेंगे रुचि का भी सब एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे डिफरेंस इन द एटीट्यूड्स, एटीट्यूड में क्या है तो एटीट्यूड्स जिस टाइप का तो अभिवृत्ति एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। कैसे एटीट्यूड तो वे एवरी सोसाइटी दे हैव प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ ओन नॉर्म्स किए हैं, लेकिन कुछ नियम को पालन करते हैं कुछ नियम को पालन नहीं करते हैं, तो उसी टाइप का एटीट्यूड देखेंगे सोसाइटी में जो है एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे डिफरेंस इन द एप्टीट्यूड्स, एप्टीट्यूड अभिक्षमता जिसको बोला जाता है, अभिक्षमता के तो आप लोग का एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है, अभिक्षमता जो है एक विशिष्ट गुण जिसको बोला जाता है, जिसे हम लोग भी देखे होंगे शायद इंटेलिजेंस बुद्धि में प्रति हम लोग मेजरमेंट जब हम किए थे, तो यूनिफैक्टर थियरी टू फैक्टर थियरी मल्टीफैक्टर थियरी जेपी गिल्डफोर्ड थ्योरी उस टाइप बहुत सारे रिसर्च किए होंगे शायद, तो यूनिफैक्टर थियरी जो किया था आप लोग का विलियम स्टोन ने, टू फैक्टर थियरी किया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने, मल्टीफैक्टर थियरी एनएल थॉस्टन ने एवं जेपी गिल्डफोर्ड थ्योरी। तो हर व्यक्ति के अंदर में कितना व्यक्तित्व या कितना एबिलिटी रहता है, एक बोला कि एक एबिलिटी, कोई बोला दो एबिलिटी, कोई हो गया तो 9 एबिलिटी, कोई हो गया उसका 140 एवं एबिलिटी भी है, तो उसे में क्या गया हम चलिए हम लोग देखेंगे। तो एबिलिटी जो होता है जो आप लोग का टू फैक्टर थ्योरी में हम देखेंगे विशिष्ट, एक तो यूनिफैक्टर थ्योरी में साधारण एबिलिटी में जनरल एबिलिटी बोला जाता है तो विलियम स्टोन ने जो किया था, सेकंड में टू फैक्टर थ्योरी आप लोग का तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो किया था टू फैक्टर थ्योरी, एक तो जो जनरल एबिलिटी और दूसरा हो गया तो स्पेसिफिक एबिलिटी।
जनरल एबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है। जनरल एबिलिटी उसी को बोला जाता है जो आप कोई भी क्लास में आप हर सिलेबस में जितना सब्जेक्ट रहता है हर सब्जेक्ट को आप क्लियर आप पास कर जाओगे तो वही है जनरल एबिलिटी है। सपोज जो पास किए हैं उसी के हाइस्ट जो उसका मार्क्स रहता है वही हो गया था आप लोग का स्पेसिफिक एबिलिटी। तो उसी आते आप लोग का तुम्हें इसी टाइप हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि आप लोग का सचिन तेंदुलकर हैज एप्टीट्यूड इन द क्रिकेट, लता मंगेशकर हैज एप्टीट्यूड इन द सॉन्ग एंड दी अमिताभ बच्चन एप्टीट्यूड इन द एक्ट्रेस। तो इसी टाइप का डिफर करता है इंडिविजुअल डिफर करता है आप लोग का हेरिडिटी का अनुसार। आगे बढ़ेंगे आप लोग डिफरेंस इन द इमोशनल्स, इमोशनल क्या इन सोसाइटी में देखिएगा इमोशनल जो होता है तो ये जो संवेग जो विभिन्नता पाई जाती है इसलिए बहुत सारे समाज में देखिएगा भयभीत हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और देखिएगा तो प्रेम लव अफेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस जो होता है ये आप लोग का एक दूसरे से भिन्नता पाई जाएगा, इमोशनल जो संवेग जो होता है एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। दूसरा चलेंगे आए आप लोग का पॉइंट 9 डिफरेंस इन द लर्निंग्स, अधिगम विभिन्नता कैसे पाई जाती है। तो ये जो भिन्नता लर्निंग जो होता है, लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन में भी प्रक्रिया चलते रहता है, लेकिन क्या है कि हम लोग का हेरिडिटी जितना भी हम लोग लेकर आए हैं आप लोग का वंशानुक्रम जैसे कि 23 46 क्रोमोजोम्स हम लोग का हर व्यक्तित्व के पास में है, लेकिन वही व्यक्तित्व पूर्वजों से जब आप लोग को अच्छा एबिलिटी लेकर के आया हुआ है तो अच्छा हुई तो आप लोग का लर्निंग अधिगम करने में तो तुरंत कोई टीचर शिक्षक अगर क्लास में पढ़ा रहा है तुरंत ज्ञान में सफलता पा जाती है। कुछ एबिलिटी जिसका कमजोर है जो लेकर आया हुआ है तो समझने में थोड़ा से लेट लगता है, जैसे कि हम लोग का एक क्लास में थोड़ा कुछ पढ़ने में तेज है कुछ एवरेज है और कुछ बिलो एवरेज है तो कुछ समझ पाते हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं। लर्निंग कैपेसिटी में आप लोग का डिफर भी करता है, एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। आगे चलते हैं तो डिफरेंस इन द रेस एंड कल्चर्स, डिफरेंस इन द रेस एंड कल्चर ये आप लोग का डिफर करता है इन सोसाइटी में। आप लोग देखिएगा आपके देश में आप देखिएगा आप लोग का तो देश में हम लोग का तो देखिएगा आप लोग इंडियन पीपल्स वेरी पीसफुल एंड चाइनीज पीपल वेरी क्रूएल एंड रशियन पीपल वेरी डल्स, तो हाउ टू डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड अनदर थिंग्स द कल्चर्स द इंडियन कल्चर्स द एफी द हिंदू सिख ईसाई जैन तो आप लोग का सब धर्म का यहाँ पे रह रहे हैं तो सबका कल्चर देखिए खाना पीना रहना पहनना सबका एक दूसरे भिन्नता पाया जाती है। आगे बढ़ेंगे लास्ट है डिफरेंस इन द अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या है तो अचीवमेंट उपलब्धि जो बोला जाता है डिफर करते कैसे करता है अचीवमेंट जैसे कि आप लोग का डिफर जो करता है जो आप लोग का सपोज आप लोग का हेरिडिटी एनवायरमेंट जितना ज्ञान आप लोग को लेकर पैदा हो गए आप लोगों का जो अंतर्निहित गुण कैसे विकसित हुआ उसी का अनुसार आप लोगों को अचीवमेंट जो होता है आप लोगों को डिफर करता है। बहुत सारा लड़का देखिएगा तो अचीव करने में सफल रहते हैं कुछ सफल नहीं रह पाते हैं, तो उसी का तो है कि आप लोगों का जो हेरिडिटी से लेकर के एनवायरमेंट तो आपका तो एज सेक्स ये वाला है आप लोग का तो आप लोग का ज़्यादा ये होता है तो आप लोग का जो अचीवमेंट जो टेस्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट हम लोग करके दिखाएंगे जैसे कि आप लोग का तो ई क्यू बाय एजुकेशनल क्वोशेंट इजिकल टू उसे फॉर्मूला जो है आप लोग का ई ए डिवाइडेड सी ए क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 बाय ए क्यू का निकालेंगे उसे अचीवमेंट क्वोशेंट का निकालेंगे उसे फॉर्मूला है इजिकल टू तो ई ए एजुकेशनल एज डिवाइडेड एम ए मेंटल एज इंटू 100 करने के बाद में हम लोग का देखेंगे उसका अचीवमेंट किस टाइप का है। जैसे आप लोग का अभी डॉक्टर मेरल जिस टाइप किया था क्लासिफिकेशन द इंटेलिजेंस जो टेस्ट का किया था जीनियस गिफ्टेड सुपरियर एवरेज बिलो एवरेज डाउन एम्बिशियल मोरोनिक टेस्ट 0 से लेकर 140 अब तक जो क्लासिफाई किया था उसी का अनुसार हम लोग देखेंगे जो टेस्टिंग करके देखेंगे अचीवमेंट टेस्ट करेंगे तो बच्चे का किस टाइप का अचीवमेंट हुआ कैसे डिफर करता है एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति। थैंक यू आज इतना ही दूसरा वीडियो।